नमस्कार साथियों, मैं हूं महेश आहूजा और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर 3.0 सीरीज में। यह भारतीय इतिहास का हम भाग 5 आज डिस्कस करने वाले हैं और पांचवें भाग में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला प्रश्न, यह प्रश्न जो है देखें, यह प्रश्न क्या कहता है, यह प्रश्न कह रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है वो है हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जो है वो मेसोपोटामिया से बड़ा था। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण क्या था, तो कार्बन डेटिंग विधि के हिसाब से सर्वमान्य मत ये है कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है वो हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण माना जाता है। इसी समय हड़प्पा सभ्यता के साथ जो समकालीन सभ्यताएं थी उसमें मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी समकालीन मानी जाती है। तो देखो यहां पर कंपैरिजन जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से किया गया है और पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा बड़ा था। तो इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सी सभ्यता जो है वो बड़ी थी। यह जो इमेज आप देख रहे हो यह सिंधु सभ्यता का विस्तार आपको दिख रहा है और हम देखते हैं कि यह विस्तार कहां कहां तक था हड़प्पा संस्कृति का और इसमें कौन कौन से स्थल हम देख सकते हैं। तो देखो सबसे ऊपर अगर नॉर्थ में हम जाएंगे तो नॉर्थ में जो प्लेस हमको दिख रहा है वह दिख रहा है मांडा, और मांडा कहाँ है तो ये जम्मू कश्मीर में। नॉर्थ के बाद अगर आप ईस्ट साइड जाओगे तो दिख रहा है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर मतलब यूपी। यूपी के बाद साउथ में दिख रहा है दैमाबाद, और दैमाबाद में याद रखना ये महाराष्ट्र है। और दैमाबाद के बाद इधर आप वेस्ट में चले जाओ यानी कि एकदम वेस्टर्न पॉइंट अगर हड़प्पा सभ्यता का पूछा तो साफ दिख रहा है सुल्तानगंज जो कि बलूचिस्तान में दिखता है यानी कि पाकिस्तान का एरिया। अब देखिए इस तरीके से विस्तार दिख रहा है, अगर हम इन सब को ज्वाइन कर ले मतलब मांडा को ज्वाइन कर ले और आलमगीरपुर को ज्वाइन कर ले, फिर दैमाबाद को ज्वाइन कर ले, फिर यहाँ से सुत्कांग गेट को दैमाबाद से ज्वाइन कर ले, और इस तरीके से हमको जो आकृति दिख रही है वह एक तरीके की त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है। थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करेंगे फिर असली स्टेटमेंट में मैं आऊंगा। तो देखो ये जो क्षेत्रफल है ये 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है, यह भी एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट आपको मिलेगा, वह याद कर लो। फिर उसके बाद यह पूछ सकता है कि पूरब से पश्चिम जो है वह कितना किलोमीटर में फैला है, तो वह आपका 1600 किलोमीटर जो है वो पूरब से पश्चिम है। और अगर पूछा कि उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण यह कितने किलोमीटर में फैला है, तब आप कह सकते हो कि यह जो है 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यह हमने हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के बारे में बात करी है और चार जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमने देखे हैं। तो उसके बाद यह जो एरिया है देखो दिख रहा है कि पंजाब वाला पोर्शन, सिंध वाला पोर्शन, बलूचिस्तान वाला पोर्शन, इधर थोड़ा सा आओगे तो गुजरात वाला पोर्शन, और थोड़ा थोड़ा इधर जो उत्तर प्रदेश का पोर्शन है यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता जो है वह फैली हुई थी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि मेसोपोटामिया से बड़ी थी या नहीं थी, तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से 12 गुना बड़ी सभ्यता थी उस समय, यानी कि दूसरी और तीसरी शताब्दी के आसपास अगर बात करें तो सबसे बड़ा कल्चर जो है वो हड़प्पा का ही कल्चर हुआ करता था। तो सवाल ही नहीं उठता छोटा होने का, मेसोपोटामिया से बहुत बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा संस्कृति जो है वो मेसोपोटामिया से बड़ी थी, है ना, 12 गुना बड़ी संस्कृति थी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने इसका काल निर्धारण डिस्कस किया और जो है हड़प्पा संस्कृति का विस्तार भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और देख चुके हैं कि मेसोपोटामिया से यह कितनी बड़ी थी। मांडा की बात करें, देखो मांडा की बात करें तो 1982 में इसको खोजा गया था और खोजने वाले थे जगपति जोशी व मधुबाला, ये भी पूछा जा सकता है कि खोजने वाले कौन थे, क्योंकि ये चारों ही जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेसेस तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यह भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1982 में मांडा, जगपति जोशी और मधुबाला। इधर आओगे तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये आपको 1958 याद रखना है, और दैमाबाद की भी बात होगी तो यह भी आपको 1958 याद रखना है, याद रखने में आसानी हो जाएगी कि ईस्ट वाला जो है और साउथ वाला जो है दोनों 1958 में खोजे गए। लेकिन आलमगीरपुर जो है वह यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा। और वही बात करें अगर दैमाबाद की तो ये बीपी बोपर डिकर के द्वारा खोजा गया है, और दोनों कब खोजे गए हैं तो यह 1958 में खोजे गए स्थल है। फिर काफी बार एग्जाम में पूछता है सुत्कांगंज डोर के बारे में, एग्जाम में पूछता है, तो सुत्कांगंज डोर की अगर बात करेंगे तो यह 1927 में खोजा गया है
और आलर स्टीन ने इसकी खोज की है। इसको मैं आगे और अलग से आपको बताऊंगा। तो ये हमने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में और कुछ क्षेत्रों के बारे में व्यापक चर्चा कर ली है। अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। देख लिया कि मेसोपोटामिया से बड़ा था। दूसरा क्या पूछ रहा है? तो दूसरा वो ये पूछ रहा है कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो धात्विक धन का उपयोग नहीं करते थे। ध्यान से पढ़ लेना ना, नहीं करते थे। पूछ रहा धन की बात हो रही है, मतलब व्यापार की बात हो रही है, मतलब क्रय विक्रय की बात हो रही है। मुद्रा का प्रचलन यहां पर नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था, इसीलिए यहां पर वस्तु विनिमय प्रथा चल रही थी। ध्यान देना, वस्तु विनिमय प्रथा जो है हड़प्पा सभ्यता के दौरान चल रही थी। अरे ये हड़प्पा वासी तो अपने कॉमोडिटीज के लिए, अपनी वस्तुओं के लिए ही बरोबर रॉ मटेरियल को नहीं इंतजाम कर पाते थे, तो उसका ये लोग धन कैसे बनाएंगे? तो यही से समझ में आता है कि नहीं, ये लोग धन का उपयोग नहीं करते थे, मतलब धात्विक धन का उपयोग नहीं करते थे। बदले में कौन सी प्रणाली चलती थी? तो याद रखना, वस्तु विनिमय प्रणाली यहां पर चलती थी। क्रय विक्रय के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही हो गया और ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। दूसरा, मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं पाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते हैं। जब उत्खनन वहां पर हुआ था, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। तो ये लोग करते क्या थे, फिर किस चीज की पूजा करते थे, इसीलिए प्रश्न अब यहां से बनता है। तो देखो, ये लोग किस चीज की पूजा करते थे? अगर देखा जाए तो ये लोग वृक्ष की पूजा करते थे, मतलब वृक्ष उपासना करते थे। ये लोग पशु उपासना करते थे, साथ में ये लोग जो है पशुपति नाथ की भी उपासना करते थे। और ये लोग और किसकी उपासना करते थे? तो सूर्य तथा अग्नि की भी उपासना करते थे। अगर मंदिर नहीं है तो कुछ ना कुछ उपासना तो करते होंगे। तो यहां पर समझो, वृक्ष की उपासना, वृक्ष का नाम याद रखना पीपल। तो पीपल जो है वो सिंधु वासियों का एक पवित्रतम वृक्ष माना जाता है, इसलिए ये पीपल की उपासना करते थे। अगर पशु की बात करें तो एक सिंग वाला बैल और दूसरा कुबड़ वाला बैल अत्यंत पवित्र माना जाता था। एक सिंग वाला बैल को, वही कुबड़ वाला जो बैल है उसको शक्ति के प्रतीक के रूप में इसकी भी पूजा की जाती थी। तो पशु उपासना करते थे, पशुपति नाथ की उपासना करते थे। मतलब यहाँ पर देखा गया है कि एक त्रिमुखीय पुरुष की चित्र मिला है जिसमें दाई और बाई और सिंह और बारह सिंघा ये सब अंकित है, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने पशुपति नाथ माना है। और इसीलिए कहा गया है कि ये भगवान शिव की पूजा करते थे, या तो लिंग के रूप में या पशुपति महादेव के रूप में ये शिव की पूजा करते थे, तो पशुपति नाथ की पूजा करते थे। स्वास्तिक के चिन्ह मिले हुए हैं, चक्र के चिन्ह मिले हुए हैं, तो वहां से भी इतिहासविद्ताओं ने कहा है कि ये सूर्य तथा अग्नि की भी उपासना करते रहे होंगे। लेकिन मंदिरों के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। लेकिन स्टेटमेंट ये बोलता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह, मतलब समकालीन काउंटर पार्ट जो चल रहा है उनके साथ भी तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है यह गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस मामले में मिस्र और मेसोपोटामिया से कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह बोल दिया है, इसीलिए यह जो स्टेटमेंट है यह गलत हो जाता है। लेकिन हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं पाया गया है, यह बात सत्य है। तो क्या पूछा है, सही बताना है कि गलत? तो हमको सही बताना है, तो यह है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये बता रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है वह गुजरात में है? रंगपुर, सुरकुतला और लोथल। तो अगर गुजरात वाले रीजन की बात हम कर रहे हैं तो देखो, ये रीजन जो है ये गुजरात वाला रीजन दिख रहा है, और गुजरात में कौन कौन सा प्लेस हमको दिखाई दे रहा है इसको डिस्कस करते हैं। पहला तो गुजरात में जो प्लेस है वह है रंगपुर। रंगपुर के बाद अगला जो प्लेस है वह है लोथल। लोथल के बाद याद रखना सुरकोतड़ा, और सुरकोतड़ा के बाद आपको याद रखना है धौलावीरा। तो ये चार प्लेसेस जो है ये गुजरात में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कौन कौन से प्लेसेस मैंने बोला? पहला तो प्लेस मैंने बोला रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा और धौलावीरा। देखिए, सुरकोतड़ा बोल रहा हूँ, सुत कांगेंडोर नहीं है। तो ये चार प्लेसेस जो है ये गुजरात में है। इनकी स्थापना, मतलब इनकी खोज कब हुई है इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। रंगपुर जो है वो 1953 के बाद 1957 के बाद याद रखना 64, और 64 के बाद याद रखना है आपको 68। और ये चारों के चारों प्लेसेस कहाँ है? तो यह याद रखिएगा, चारों प्लेसेस जो है गुजरात में है। जबकि एस आर राव का नाम याद रखना खोजकर्ता के रूप में, और इन दोनों के रूप में जगपति जोशी का नाम आपको याद रखना है। तो ये डिस्कस किए हमने चारों प्लेसेस, और ये चारों प्लेसेस कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद यहाँ से क्या क्या मिला है जरा ये भी हम देख लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली। रंगपुर जाना जाता है चावल के साक्ष्य के लिए,
बाट के लिए इसका मतलब साफ है कि जो सिंधु सभ्यता सैंधव जन थे वो नापतोल से भी परिचित थे। तो चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो याद रखना ये आपको रंगपुर से मिले हैं चावल के साक्ष्य। रंगपुर के बाद अगला मैंने बताया है आपको लोथल, तो लोथल को डिस्कस कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। किस नदी के किनारे है, तो यह भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है वो गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। लोथल क्यों प्रसिद्ध है, तो एग्जाम में काफी पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डॉकयार्ड, यानी कि इसको बंदरगाह का शहर बोला जाता है। याद रखना जो लोथल है इसको बंदरगाह का शहर बोला जाता है। गोदी बेड़ा यहां पर पाया जाता है। उसके बाद धान की भूसी, उसके बाद फारस की खाड़ी की मोहरे, इन सब चीजों के लिए जो है प्रसिद्ध है ना लोथल में, ये सारी चीजें पाई गई है। अलग से एग्जाम में वन बाई वन भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ घोड़े की एक संदिग्ध मूर्ति जिसको टेराकोटा कहा जाता है, क्योंकि घोड़े से तो उस जमाने के लोग परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े की संदिग्ध मूर्ति कहां से मिली है तो भी आपको याद रखना है कि यह लोथल से मिली है। सुरकोतड़ा की अगर बात करें, सुरकोतड़ा में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको मिली है वो याद रखना, यहां से घोड़े की हड्डी मिली है। सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी मिली है, कहां से मिली है, तो सुरकोतड़ा से मिली है। और सुरकोतड़ा के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट स्थल है वह है धौलावीरा जो है यह काफी इंपॉर्टेंट स्थल है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो तीन भागों में सिंधु सभ्यता के नगर विभाजित थे, वो ये तीन भागों में विभाजित नगर था। पहला तो दुर्ग वाला था, दुर्ग के बाद जो है वो मध्यम नगर थे, और मध्यम के बाद अगला जो है वो निचला नगर थे। तो कौन सा तीन भागों में विभाजित था, तो उसमें याद रखना वो धौलावीरा था। दूसरा, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसके 10 बड़े साक्ष्य जो है, सिंधु सभ्यता की लिपि के 10 बड़े साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो वो भी याद रखना, वो भी आपको धौलावीरा से मिलते हैं। और साथ ही धौलावीरा अपने उत्तम जल प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। उत्तम जल प्रबंधन के लिए भी कौन सा शहर है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो जो स्थल है उसका नाम है धौलावीरा। तो इस तरीके से हमने गुजरात को डिस्कस किया, उनके ईयर देख लिए, किसने खोजा ये देख लिया, और जो इंपॉर्टेंट मतलब प्रमुख चीजें वहां से मिली है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा हूँ, अगला प्रश्न जो है ये कालीबंगा के बारे में है। किसके बारे में है, कालीबंगा के बारे में हमको डिस्कस करना है। और पूछा गया है कि इनमें से क्या क्या कालीबंगा में पाया गया था। क्या पूछा है, तो पहले बोला अग्निवेदिका, फिर बताओ ऊंट की हड्डी, और फिर बताओ जल निकासी व्यवस्था। चलो डिस्कस करते हैं कालीबंगा के बारे में, ठीक है। कालीबंगा कब खोजा गया था, सबसे पहले तो कालीबंगा 1953 में खोजा गया था, और ये कहां पर है, तो याद रखना यह जो है राजस्थान में है। किसने खोजा था, तो इसको अमला नंदन घोष ने खोजा हुआ था। किसने खोजा था, इसको अमला नंदन घोष ने खोजा था। देखो अगर बात करेंगे रोपड़ की या कालीबंगा की या रंगपुर की, तीनों के लिए 1953 हमको याद रखना है, अमला नंदन घोष ने इसकी खोज की थी। और फिर यह भी प्रश्न कालीबंगा से आ सकता है कि क्या अर्थ है कालीबंगा का, तो इसका जो शब्द का अर्थ है वह है काले रंग की चूड़ियां। अब यहां से क्या क्या पाया गया, फिर पूछा जा सकता है कि यह जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखना राजस्थान की घग्घर नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ जो स्थल है वह है कालीबंगा। अब डिस्कस करते हैं कि यहां से क्या क्या पाया गया, तो क्या क्या पाया गया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कालीबंगा से यही पाई गई है। क्या पाई गई है, तो याद रखना जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वह कालीबंगा से पाए गए हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे नहीं दिखा है फिर भी बता रहा हूं। दूसरा, हम चर्चा करते हैं अग्निवेदिका के ऊपर। अग्निवेदिका के भी साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य यहां से मिलते हैं, जो यह साबित करते हैं कि यहाँ के लोग जो थे वो धार्मिक थे और पूजा पाठ में विश्वास करते थे और अग्नि की पूजा करते थे। इससे यह साबित होता है यस ये सही है कि अग्निवेदिका के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। और दूसरी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वह बता दे रहा हूं, बेलनाकार मोहरे कालीबंगा, इसमें यह भी मिला हुआ है। दूसरा और याद रखिएगा अगला जो है वह है अलंकृत फर्श के लिए भी यह जाना जाता है। चलो, और ऊंट की हड्डियां भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। जल निकासी व्यवस्था,
यही तो एकमात्र ऐसा शहर है जहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। याद रखना, ड्रेनेज सिस्टम कालीबंगा में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, तो जल निकासी की व्यवस्था कालीबंगा में नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्या पाया गया है, सही विकल्प बताना है, और यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अग्निवेदिका और ऊंट की हड्डियां। बाकी रेस्ट ये चीजें भी पूछा जा सकता है कालीबंगा के बारे में। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मैच द फॉलोइंग है। आपको लोकेशन बता दिया गया है, स्थल बता दिया गया है, और वहां से क्या क्या मिला है ये बता दिया है। वैसे हम इन सब चीजों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। चलो लोथल की बात करते हैं। तो मैं बता चुका हूँ लोथल किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। तो एक तो याद रखना बंदरगाह का शहर, दूसरा गोदी बेड़ा, तीसरा पारस की खाड़ी की मोरे, चौथा धान की भूसी, इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है लोथल में। ये चार चीजों को पकड़ने के बाद फिर उसके बाद याद रखना घोड़ा हाथी लोमड़ी। घोड़ा मतलब घोड़े की संदिग्ध मूर्ति बता चुका हूँ, जिसको आप टेराकोटा कहते हो। हाथी दांत का पैमाना है और मुहर पर लोमड़ी का चित्र, ये भी कहां से मिला है। तो ये सब चीजें जो है आपको लोथल से ही मिलती है। तो याद रखना ये सब बातें जो है लोथल के बारे में है। ये जो जो पूछा है क्या क्या वहां पर पाया जाता था, उत्खनन से एविडेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। तो लोथल को आप किससे कनेक्ट करोगे, लोथल को आप गोदीबेड़ा से कनेक्ट करोगे। फिर उसके बाद बात आती है कालीबंगा की, डिस्कस कर लिया है हमने। कालीबंगा मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में है कालीबंगा और घग्गर नदी के समीप है। क्या मिला है कालीबंगा से, तो पिछले वाले क्वेश्चन में कालीबंगा को पूरा डिस्कस कर लिया था हमने। तो जुता हुआ खेत के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं धौलावीरा की। तो धौलावीरा कहाँ है, तो याद रखना धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। धौलावीरा से क्या मिला, धौलावीरा से भी, धौलावीरा को भी हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। तो वो जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है, मतलब सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसके अक्षरों का जो 10 एविडेंस जो है वो यहां से मिला है। कहां से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। बनवाली के बारे में बात करते हैं। देखो बनवाली, बनवाली जो है मतलब 1974 कब खोजा गया, तो बोलोगे 1974। उसके बाद ये कहां पर है, तो आपको बोलना है हरियाणा। किसने इसको खोजा, तो आपको बोलना है R.S. बिस्ट ने इसको खोजा था, ठीक है ना। ये सब एक साथ कंपाइल करूंगा। 1974 बनवाली R.S. बिस्ट ने इसको खोजा था। बनवाली कहां है, तो ये हरियाणा में है। क्या मिला यहां से, तो यहां से हल मिला। हल किसका बना हुआ था, तो मिट्टी का बना हुआ था। तब समझ में आया कि यहां पर हल भी चल रहा था, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति जो है वह कहां से मिली है, तो वो बनवाली से मिली है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर निकल कर आता है बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर पूछा है कि स्थल और उनकी स्थिति को आपको बताना है, और यह बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखना, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चेक करते हैं, आलमगीरपुर जो है ये यूपी में है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। बनवाली जो है ये हरियाणा में है, ये भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। दैमाबाद जो है वो भी महाराष्ट्र में है, ये भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी यह राजस्थान में नहीं है, यह है हरियाणा में। इसीलिए एक्चुअल में जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन सा होगा, तो वह होगा डी। ये तो हो गया इनकी बात, लेकिन बाकी के स्थल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1921, फिर आपका 1922, फिर याद रखना 27, और फिर याद रखिएगा 31, और उसके बाद होंगे 1953 के 3। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 21 में आपने खोजा हड़प्पा, हड़प्पा के बाद आपने खोजा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद आपने खोजा है सुतकांगेनडोर, मतलब पाकिस्तान वाला है, और सुतकांगेनडोर के बाद अगला आपने खोजा है चनहुदड़ो। ये चारों के चारों जो है वो कहां पर थे, तो याद रखना चारों के चारों पाकिस्तान में। फिर 1953 में आपने खोजा है रोपण के बाद आपने खोजा कालीबंगा, और कालीबंगा के बाद आपने खोजा था रंगपुर, जिसमें रोपण के लिए याद रखिएगा पंजाब, कालीबंगा के लिए याद रखिएगा राजस्थान, और उसके बाद रंगपुर तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कहां पर है, तो गुजरात में। और गुजरात के चारों स्थल जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, सुरकोदड़ा हो गया, और धौलावीरा हो गया, और फाइनली याद रखिएगा एक प्लेस हो गया, कौन सा आपका, बनवाली भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से प्लेस जो है वो कहां है और कब खोजे गए हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में खोजकर्ताओं के नाम दिया है और स्थलों के नाम दिया गया है। तो पहले तो आलमगीरपुर की बात करते हैं। ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1958 में खोजा गया स्थल है, कहां पर है आलमगीर, तो याद रखना आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है,
और किसने इसकी खोज की थी? तो यज्ञ दत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की थी और ये ईस्टर्न साइड का प्लेस है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। उसके बाद आएगा कुनाल और कुनाल के बाद आएगा मिथादल। ये दोनों ही प्लेस जो है हरियाणा में है, इसके बारे में ये याद रखना। और मीठा दल से जो है वो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मीठा दल से प्राप्त हुई है, इसीलिए प्रसिद्ध है। खोजकर्ताओं के नाम है सूरज भान ने मीठा दल की खोज की थी 1968 में। मीठा दल की खोज की थी सूरज भान ने। उसी प्रकार कुणाल की जो खोज है वो एसआर राव ने की थी। बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है। आरएस बिस्ट ने बालाकोट की खोज की थी। तो वेरी सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये कुछ प्लेसेस हैं और वो खोज करता है जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना से संबंधित है। कौन सी विशेषताएं सही हैं हमको ये बताना है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि नगर नियोजन का जो सुनियोजित तरीका हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है वह किसी भी दूसरी सभ्यता में नहीं देखने को मिलता। इसीलिए याद रखना हड़प्पा सभ्यता को नगरी सभ्यता भी कहा जाता है और ये नगर नियोजन से संबंधित प्रश्न है। तो हड़प्पा का नगर नियोजन से संबंधित पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? शहरों को पश्चिम की ओर एक गढ़ और पूर्वी तरफ एक निचले शहर में विभाजित किया गया था। तीन साइट्स का नाम मैं आपको बताऊंगा। तीन साइट्स, पहला जो है वो होगा हड़प्पा, दूसरा होगा मोहनजोदड़ो और तीसरा जो साइट है वो है कालीबंगा। इन तीनों साइट में कुछ न कुछ यूनिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं कि एक तो था पश्चिम वाला गढ़ जिसको आप पश्चिम टीला बोलते थे। पश्चिम टीला दो भाग में विभाजित था, एक था पश्चिमी टीला और दूसरा जो था वो था पूर्वी टीला। तो देखो क्या होता था यहां पर, पश्चिम टीला जो है वहां पर दुर्ग बनाए जाते थे क्योंकि ये जो है ज्यादा हाइट में होते थे और पूर्वी टीला जो है वो रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा कम ऊंचाई पर बनाया जाता था। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो 7 बार जो है वहां पर बाढ़ आई थी और ये शहर फिर से बचा था। तो ये जो दुर्ग थे ज्यादा ऊंचाई पर बनाए जाते थे, तो पश्चिमी टीला जो है वह ज्यादा ऊंचाई पर होता था और पूर्वी टीला जो है वो कम ऊंचाई पर होता था। तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया कि पश्चिम की ओर एक गढ़ होता था, मतलब ये सिटाडेल गढ़ बोलते हैं उसको, दुर्ग को आप गढ़ भी कह सकते हैं, और दूसरे तरफ एक निचले शहर होता था, मतलब यहाँ पर एक लोअर टाउन भी होता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि केवल हड़प्पा के सभी स्थलों पर दीवारों से घिरे हुए। देखो प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से एक रक्षा कवच या फिर हम कह दे परकोटा या फिर हम कह दे एक दीवार इस तरीके से बना दी जाती थी यहाँ पर। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पर जो दुर्ग है चारों तरफ से दीवालों से कवर कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा कौन सा स्थल था जिसमें दुर्ग और लोअर टाउन है दोनों को दीवाल से कवर किया गया था? तो ऐसा स्थल कौन सा था? तो वह आपका कालीबंगा था। तो क्या बोला मैंने, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दुर्ग को जो है वो दीवाल से कवर किया जाता था, जिसको परकोटा भी कहते हो रक्षा के लिए। लेकिन कालीबंगा ही इकलौती ऐसी साइट थी जिसमें दुर्ग को और पूर्वी टीले को, मतलब निचले शहर को, दोनों को आपने दीवार से घेरा हुआ था। कौन सी इकलौती साइट थी? तो वो कालीबंगा थी। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, केवल हड़प्पा के सभी स्थलों पर दीवारों से घिरे हुए थे। तो यह जो है एक गलत स्टेटमेंट होता है भाई। हड़प्पा का तो दुर्ग ही खाली दीवारों से घिरा हुआ था। अगर इसकी जगह कालीबंगा लिखा होता तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही होने वाला था क्योंकि केवल कालीबंगा के सभी शहरों को दीवार से घेरा दिया जाता था। क्या बोला है? केवल हड़प्पा, इसलिए यह जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल गलत है। नगर नियोजन से संबंधित प्रश्न है, आ सकता है, महत्वपूर्ण है। कच्ची मिट्टी की ईंट के साथ पके हुए ईंटों का प्रयोग भी भवन निर्माण प्रक्रिया के लिए किया जाता था। तो भवन निर्माण प्रक्रिया होती थी गलियों के जाल विन्यस्त का शब्द जो है वो भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कच्ची ईंटों के साथ पकी ईंटों का भी उपयोग किया जाता था। जब नींव डाली जाती थी तो कच्ची और पक्की दोनों ईंटें यहाँ पर उपयोग के स्वरूप लाई जाती थी। इवन ये जो आप देख रहे हो रक्षा कवच भी, इसमें भी अंदर का जो ईंटें हैं, अंदर का जो पोर्शन है वो कच्ची से और बाहर जो है वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था। तो यह स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होता है। तो क्या बताना है आपको सही? तो पहला और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं यहाँ पर है सही ढंग से कौन सी जोड़ी मेल खाती है। क्या क्या बोला है? गव्युति, गोधुली और गविष्टी, ये टर्म्स दे दिया है और ये टर्म्स जो है मैच सही है कि नहीं ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब हम ऋग्वेदिक काल में एंटर कर रहे हैं, वैदिक काल में एंटर कर रहे हैं और अब सिंधु सभ्यता के बाद
वैदिक काल का पीरियड है, इसका मतलब यह हुआ कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो पीरियड है यह वैदिक काल कहा जाता है। और यह भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला 1500 से 1000 बीसी का जो पीरियड है एक इसको आप ऋग वैदिक काल कहते हो, ऋग वैदिक काल मतलब वैदिक काल के पहले वाला, और उसके बाद 1000 से लेकर जो 600 बीसी का पीरियड है इसको आप उत्तर वैदिक काल कहते हो। तो एक ऋग वैदिक काल हुआ और दूसरा उत्तर वैदिक काल हुआ। यह जो प्रश्न है ऋग वैदिक काल से संबंधित है और यह प्रश्न जो है वो गाय से संबंधित है। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा जाता था। देखो ये प्रश्न भी ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या कहा जाता था, तो अघन्या कहा जाता था। तो किसमें? ऋग्वेद, जिसमें 176 बार गाय को वर्णन मिलता है। अघन्या जो है ये शब्द का मतलब है कि इसका जो मांस खाना है वो वर्जित था, मांस नहीं खा सकते थे गाय का, लेकिन बैल का, घोड़े का और बकरी का मांस खाया जा सकता था, लेकिन गाय का मांस नहीं खाया जा सकता था। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था, देश निकाला की सजा का वर्णन भी वेदों में देखने को मिलता। देखो ऋग्वेदिक काल जो चल रहा है ना, यहाँ पर पशु ही इनके धन थे, यहाँ पर इनका जो मुख्य धंधा था वह पशुपालन ही था, मतलब गाय ही इनका धन था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इस समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी और गाय का बहुत अधिक महत्व था। इवन गाय के लिए तो युद्ध तक लड़ा जाता था, इतनी इंपॉर्टेंट थी गाय। तो अब गाय से जो टर्म्स यूज किए जाते थे उन टर्म्स मैं आपको बता दूं। एक टर्म आप याद रखिएगा वो है गविष्टि, गविष्टि के बाद दूसरा टर्म याद रखिएगा गोपति, गोपति के बाद अगला याद रखना गोमद, और गोमद के बाद यहीं पर याद रखना गोधुली। यह टर्म्स जो है यह भी गाय से संबंधित है, मैं बता चुका हूं ना इस समय गाय का बहुत अधिक महत्व था। अब इनके मतलब क्या होते हैं? गविष्टि का मतलब होता है गाय की खोज, गविष्टि का मतलब याद रखना, मैंने बताया कि गाय के लिए युद्ध भी लड़ा जाता है, तो गविष्टि का मतलब याद रखना गाय की खोज है। गोपति का मतलब है राजा, गोमद का मतलब है धनवान व्यक्ति, धनी व्यक्ति को गोमद कहा जाता था, और गोधली बेला का सीधा सीधा संबंध जो है वो समय से रहा है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो इतना गाय से एसोसिएटेड चीजें डिस्कस करने के बाद अब देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है गव्युति और गोधली। गव्युति जो है दूरी की माप है। देखिए गोधली जो है उसका संबंध तो समय से है, यह तो बिल्कुल सही बात है, और गव्युति जो है वो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म था। गव्युति डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए यह जो है यह भी मैच बिल्कुल सही। दूसरा बोला है गविष्टि गायों को दूहने वाला, जबकि अभी मैंने बताया कि गविष्टि का मतलब गाय की खोज कहा जा सकता है, युद्ध से संबंधित यह शब्द टर्म है जिसको आप गविष्टि कहते हो। गाय को दूहने वाले को दुधित्री या फिर डॉटर को भी यानी कि पुत्री को भी दुधित्री की संज्ञा दी जाती थी, तो दुधित्री यहां पर सही मैच है जबकि गविष्टि जो है यहां पर गलत मैच दिखाई दे रहा है। ये डिस्कस करने के बाद अब देखते हैं सही विकल्प पूछ रहा है, पहला और दूसरा जो है वो दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिख रहा है वेदांगों के संबंध में, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वेदांग के बारे में बात कही गई है, तो मैं बता दूं कि वैदिक धार्मिक साहित्य का ही एक अंग है जिसे आप वेदांग के नाम से जानते हो, वैदिक धार्मिक साहित्य। और यह जो वैदिक धार्मिक साहित्य है यह छह होते थे, छह प्रकार के होते थे, जिसे महाकाव्य है, पुराण हो गए, उनमें से एक जो है वह है वेदांग। समय है 600 बीसी से लेकर 600 एडी का जो समय है यह वैदिक धार्मिक साहित्य को जाता है, और 600 बीसी के बाद का जो समय है यह समय सूत्रकाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी काल में वेदांग की रचना हुई थी। तो वेदांगों को भी वैदिक धार्मिक साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक्चुअल में ये वेदों की व्याख्या करते हैं और इनकी संख्या 6 है। तो पहले तो याद रखो कि वेदों की संख्या कितनी है, 6। तो आपको 6 वेदांगों के नाम याद रखने हैं, वेदांग की बात हो रही है, जिसमें से पहला जो है वह है शिक्षा। शिक्षा के बाद याद रखिएगा कल्प, कल्प के बाद 36वें नंबर में रहेगा व्याकरण, व्याकरण के बाद आपको याद रखना है निरुक्त, निरुक्त के बाद अबला रहेगा छंद, और छंद के बाद लास्ट नाम याद रखना ज्योतिष, ज्योतिष। तो कितने प्रकार के वेदांग हो गए? 6 प्रकार के वेदांग हो चले हैं यहाँ पर, और इन 6 प्रकार के वेदांगों में अब आपको मैच करना है कि 6 में से कौन कौन से दिया है।
निरुक्त है, छंद है, कल्प है और शिक्षा है। इस प्रकार से चारों के चारों जो है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बनता है एग्जाम में, वेदांगों से भी प्रश्न आते हैं। चलो इसी के साथ अगला प्रश्न, और ये आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। निम्न जोड़े पर हमको विचार करना है। दिया हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपद ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण हमको दिया हुआ है। मतलब ये भी वैदिक धार्मिक साहित्य से ही पूछा गया प्रश्न है, और यह जो है ब्राह्मण ग्रंथ से पूछा गया प्रश्न है। ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे, तो ये बात याद रखना कि ऋषियों के द्वारा वेदों की सरल व्याख्या की जाती थी, वह भी गद्य के रूप में। तो ये जो सरल व्याख्या की जाती थी, इन्हीं को आप ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में जानते हो। तो हर एक वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, ऋग्वेद के बाद लिखूं मैं सामवेद की, सामवेद के बाद अगर यजुर्वेद की, और यजुर्वेद के बाद अगर अथर्ववेद की बात करूं, तो इनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हम यहां पर लिखते हैं। ऋग्वेद का यहां लिख देता हूं, तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ आप याद रखना ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा आपको याद रखना है कौशीतकी, कौशीतकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये दो ब्राह्मण ग्रंथ किसके हुए, तो ये दोनों किसके हुए, ऋग्वेद के हुए। तो इस तरीके से ऐतरेय ऋग्वेद से बिल्कुल करेक्ट मैच दिखाई देता है। तो दो इंपॉर्टेंट है याद रखना, ऐतरेय और कौशीतकी, जो दोनों किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा अगर सामवेद की बात करें, तो सामवेद में नाम ध्यान से देखो, पहला है पंचविश, पंचविश ये ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का है। दूसरा है षड्विश, पंचविश षड्विश के बाद अगला याद रखना छंदोग्य, छंदोग्य, और छंदोग्य के बाद अगला आपको याद रखना है जैमिनी। तो कितने हुए, चार हो गए, और चारों किससे संबंधित है, सामवेद से। इसका मतलब शतपथ ब्राह्मण जो है वो सामवेद से संबंधित नहीं है, शतपथ ब्राह्मण जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। अगला जो ग्रंथ है वह मैंने आपको बताया है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में भी दो होते हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है, जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें आप याद रखिएगा तैतरीय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण जो है यह कृष्ण यजुर्वेद है, मतलब यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और उसमें भी कौन सा है, तो कृष्ण यजुर्वेद आएगा। इतना याद रख लो, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूं। इसका मतलब यह जो है तैतरीय ब्राह्मण जो है वह कृष्ण यजुर्वेद है। दूसरा और भी पूछता है, जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वह है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, यह भी एग्जाम में काफी दफा पूछा जाता है, याद रखना शतपथ ब्राह्मण जो है यह शुक्ल यजुर्वेद है ना। शतपथ से शुक्ल यजुर्वेद हमको याद रह जाएगा, और सबसे बड़ा और सबसे विपुल ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वह भी आपका शतपथ ब्राह्मण ही है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। यह भी किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। अब बच गया अगला जो अथर्ववेद आएगा, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो यह जो है ये रहेगा गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ आएगा। तो गोपथ का संबंध किससे है, तो गोपथ का जो संबंध है वो अथर्ववेद से है, शुक्ल यजुर्वेद से नहीं है, इसीलिए यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो मैंने सारे ब्राह्मण ग्रंथ जितने पूछे जा सकते हैं वो सब यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो क्या बताना है कि सही मेल कौन सा खा रहा है बताना है, तो दिख रहा है पहला और तीसरा, यस इट इज आंसर। इस प्रश्न के साथ FTR सीरीज का भारत के इतिहास का भाग 5 यहीं पर खत्म करता हूं। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।